करतार सिंह दुग्गल की कहानी भाभी जान का अगला हिस्सा। उहदा मियां तां सचमुच दीवाना सी। इन्ने च इकदम बारिश होण लग पई। अजीब मौसम सी, हुणे आकाश साफ सुथरा सी, हुणे वसण लग पिया सी। वेखते वेखते चौहां पासे जल थल हो गया। सड़कां ते गिट्टे गिट्टे पानी खलो गया सी। ते जदों प्रेस क्लब पुजे, पूनम नूं समझ नहीं आ रही सी वो मोटर तो बाहर निकल के क्लब के वरांडे तक किवें पुजे। वरांडे च उड़ीकदा बहरा बेशक छतरी लैके मोटर दे कोल आ खलोता सी, पर सवाल यह सी कि ढिले पजामे दे फरशी घेरे नाल कोई निचड़ नुचड़ कर रही धरती दे बाहर पैर किवें रखे। कोई जर्नलिस्ट दोस्त वरांडे च खलोते तमाशा वेख रहे सन। पूनम दा चेहरा घबराहट च लाल बिंब हो गया सी। बाहर बारिश कहे जिवें अजो ही अज है। पूनम ने अपने गरारे नूं दोवां हत्थां नाल फड़ के बाहर निकलना सी, फिर छतरी दी ओट छोना सी ते भरत दे नाल नाल वरांडे तीक पुजना सी, जिवें कोई राजकुमारी होवे। जदों वरांडे तीक किसे ना किसे तरह पुजी, वरांडे च खलोते उन्हां दे साथी जर्नलिस्टां च एक तो वधीक दे मूहों उसे बोल सुने। पूनम पसीना पसीना हो रही सी, घबराहट विच उहदियां गल्लां पखां पखां कर रही सन। उन्हूं समझ नहीं आ रही सी किवें इन्ने सारे अखबार नवीसां नाल मुखातिब होवे। अजे कल तीक प्रेस क्लब दे इस वरांडे च गैलरी च लाउंज विच उह जीन पाई घूमदी रहिंदी सी। किसे नाल मजाक, किसे नाल कोई ठट्ठा, हर किसे नाल उहदी छेड़छाड़ लगी रहिंदी। प्रेस क्लब ब्रॉडकास्टिंग हाउस की बगल में ही तां सी। अज उहनूं समझ नहीं आ रही सी किवें बैठे, किवें उठे, किवें किसे नाल गल करे। दुल्हन दा अंदाज़ वक्खरा हुंदा है। ढिले पजामे ते कुर्ते च उहनूं अपना आप होर दा होर लग रहा सी। उहदे कन्नां च कंब रहीआं वालीआं, उहदी ननान जीती दा इन्ने उचेच नाल बनाया जूड़ा, जूड़े च चंबेली दीआं कलीआं दी वैणी, उहदे होठां ते उहदे गरारे दे रंग नाल ढुकदी जामनी लिपस्टिक, जामनी भा दा उहदा ब्लश आन। पूनम नूं लगदा जिवें उह बज के रहि गई होवे। होर ते होर मंजूर भी उहदी अख नाल अख नहीं मिला रहा सी। बस एक वार दूरों ही उस उहनूं आदाब कीता सी। उहदी शादी दा तोहफा ते उस पहले ही उहदे घर पहुँचाता सी। उहदी नवीं छपी किताब दी प्रेस तो आई पहली कॉपी सी। पूनम आप भी जाण बुझ के मंजूर तो कतरा रही सी। अजे तीक उहदी किताब पढ़न दा उहनूं मौका नहीं मिलिया सी ते उहनूं डर सी कि उह किताब बारे पुछी ना बहे। प्रेस क्लब विच अक्सर आउण जाण करके पूनम दी हर किसी नाल निजी वाकफी सी, दोस्ती सी, पर इंज जापदा जिवें अज दी शाम हर किसी विचकार उहदी विथ पै गई होवे। भरत तां क्लब च वड़दे ही अपने यार दोस्तां नाल गप्पां च रुझ गया। बस एक जस्सी पूनम दे कोल बैठी सी। जस्सी ने पिछले साल एक फोटोग्राफर जर्नलिस्ट नाल विआह करवाया सी। इस वरी उह वक्ख हो गए सन। जस्सी दे मत्थे ते जिवें उहदी सारी कहानी चित्री होई होवे। पीला जर्द चेहरा, रुखे अण सुवारे वाल, नीले बॉर्डर दी सफेद धोती, ये तैनू की हो रहा है? जदों इकलियां होईयां पूनम ने जस्सी ते सवाल किया। मेरे पेट चों तां 3 महीने का बच्चा सी, मैं उहनूं कढवा दिता है। जस्सी ने उहनूं भेद भरे ढंग नाल दस्सिया। इन्नी करड़ी सज़ा, पूनम बोली अपने आप नूं, जस्सी ने कहा ते मुस्कुराण लग पई। उहदा दिल रो रहा सी, उहदे होठ हसण की कोशिश कर रहे सन। भावें चाह पार्टी सी, अक्सर लोग बीयर पी रहे सन। जिवें जिवें शाम ढलती जा रही सी, यार लोगों ने विस्की के दौर भी शुरू कर दिते। पूनम जिथे आके बैठी उत्थे बैठी रही। एक दो वार उस उठ के इधर उधर जाने की कोशिश की, पर उन्हें इंज लगता ढिले पजामे नाल किसी तुरना हो अगे रस्ता साफ होना चाहिए। फर्श ते गलीचे ते चादरां विछियां होनियां चाहीदियां ने, ता जो उहदे लांभ चांभ घिसट रहे रेशमी झोल मैले ना हो। प्रेस क्लब विच पूनम दीयां कई पुरानियां दोस्तियां सन, पर भरत दे उहदी जिंदगी च आउण तों पहले मंजूर नाल उहदे संबंध एक विशेष नाजुक पड़ाव तक पुजे हुए सन। उस स्थान जिथे अपड़ के लोग गाया करते ने एक कदम होर ते तारे त्रुट जावणगे। पर मंजूर कित्थे सी? मंजूर किते नज़र नहीं आ रहा सी। बस एक वार शुरू शुरू च विखाई दिता सी, दूरों ही उस आदाब किया सी अपने खास ढंग नाल। इहदे इस आदाब करन दे ढंग ते ही तां पूनम फिदा सी। अज दी शाम वह गायब कित्थे हो गया सी?
पूनम यह सोच ही रही सी कि मंजूर लड़खड़ा रहे कदम पता नहीं किधरों निकल आया तो दुल्हन दे कोल कुर्सी ते बैठती उस बकना शुरू कर दिता। तू सोचिया उंज तां तू कदी एडिटर बन नहीं सकेंगी, एडिटर नाल विआह करके एडिटर नहीं बनिया जा सकता, हर औरत इंज करती है। तैनू गरारा पा के मलका मुअज़मा बनना चंगा लगता है, दीवान ते बैठ के पान दियां गलोरियां मूँह विच रखना, तैनू चप्पलां घसीटन वाली रेडियो आर्टिस्ट की जिंदगी पसंद नहीं सी, एक उडारी मार के तू तुर चोटी दे टाल ते जा बैठी है। तैनू पता है हर चीज़ की कीमत देनी पैंदी है, तैनू कीमत तारनी होएगी, किसी का पानी भरना होएगा। मंजूर है कि उलझुलूल बोल रहा सी, अगे पिछे खलोते दोस्त मंजूर की पूनम लई कमजोरी तो वाकफ सन, इस तो पेशतर के मामला विगड़दा यार लोग उन्हें फड़ के परे लै गए। उस शाम क्लब तो मुड़दे मंजूर दे बोल मुड़ मुड़ पूनम दे कन्नां च गूंज रहे सन, तो अपने दिल नूं टटोलन लग पैंदी जो कुछ मंजूर ने कहा सी उस च किन्नी सच्चाई सी। अंग पंजवां। अगली सवेर जदों जागया भरत नूं अपनी अखां ते इतबार नहीं आ रहा सी, उन्हां दे सौण दे कमरे च रोशनी दी गैलरी वाली तस्वीर लटक रही सी। पिछली शाम प्रेस क्लब जाण तों पहले पूनम ने अपने कमरे च लगी हुसैन दे दी मछरे हुए घोड़े दी पेंटिंग नूं गैलरी च लटकाता सी, ते गैलरी च लटक रही रोशनी दी तस्वीर नूं उहदी थां अपने कमरे च आ सजाया सी। वाह, भरत ने वेख्या ते उहदे मूँह आप ही निकल गया। पूनम अपनी नाइटी विच वालां नूं इक हथ नाल एक पासे करदी हुई अगे वधी कहन लगी, मैं सोचिया हुण मछरे घोड़े दी इस कमरे च कोई थां नहीं, घोड़ा हुण रास हो गया, हुण तो इस कमरे च शांति होएगी, हासे होणगे, मुहब्बत होएगी। भरत ने पूनम की महीन पतली नाइटी चूमल रहे उहदे जोबन वल वेखते हुए कहा, इस तस्वीर का नाम मुहब्बत होना चाहिए, मैं जदों इहनूं वेखदी हाँ इहदे चों प्यार डुल डुल पैंदा मैनूं विखाई दिंदा, पूनम कह रही सी। यह तस्वीर सचमुच एक मुहब्बत की देवी की है, भरत अपने ख्यालों च खो गया सी। तुहाडी कोई प्रस्तार लगती है? नहीं, प्रस्तार तो इहदा मैं हाँ। तो फिर तुहाडे सोच सुआद की दात देनी होएगी। इन्ने च जीती सवेर के अखबारों की गड्डी चुकी हुई आई तो रोशनी की तस्वीर उन्होंने कमरे च लगी वेख के अब्बड़वाए दे मूँह निकलिया भाभी, तो फिर वह खामोश हो गए। भरत के सामने खबरे उस इतराज़ करना मुनासिब नहीं समझिया, पर जिनी देर उन्होंने कमरे चो रही उहदा मूँह सुजिया रहा। मैं कहनी हाँ भाभी ये दीवाना पन है। जदों भरत दफ्तर तुर गया जीती भुड़कती हुई पूनम के कमरे च आई, उस एक साह बोलना शुरू कर दिया, ये झलियत है, यह तो इंज है जिवें कोई अग नाल खेडन लग पवे, ये औरत इस घर का सराप है, ये औरत ना हुंदी तां वीरे दा विआह कदों दा हो गया हुंदा, अज इस घर च एक तो वधीक बच्चे खेड रहे हुंदे, मेरे माता पिता पोतरे दा मूँह वेखण लई सहकदे तुर गए, ये औरत ना हुंदी तां मैं आप कदों दी। पूनम सुन के हसन लग पई, ये औरत ना हुंदी तां मैं भी इस घर च ना हुंदी, हसदे हसदे कहण लगी, ओ किवें, ये औरत ना हुंदी तां भरत कदों दा विआहिया जा चुका हुंदा, जीती कदों दी परनाई जा चुकी हुंदी, दोहां दे एक एक दो दो बच्चे भी हो चुके होंदे। पूनम हस के गल नूं गवा देना चाहुंदी सी, भाभी ये मजाक दी गल हरगिज नहीं, ये औरत तां टूणे हारनी है, तलिस्सम करदी है। पूनम ने अपनियां कन्नां चुंगलां दे लईआं, जीती तैनूं जरूर कोई टपला लगा है, ये औरत हरगिज वो कुछ नहीं हो सकती जो कुछ तू कह रही है, इहदे चेहरे वल तू कदी वेख्या है, तुहानूं अजे हथ नहीं लगे? जीती अपनी राय ते कायम सी, इहदा चेहरा जिवें मुहब्बत दा पैगाम होवे, इह औरत दा प्यार दा इसार दा मुजस्मा है, इहदे च तां मैनूं कोई यूसुफ दी जुलैखा नज़र आउंदी है। हुण मेरी वारी है कन्नां चुंगलियां देण दी, जीती ने कहा ते अपने हथ कन्नां ते रख लए। मैं कहनी हाँ, फिर पूनम ने जीती नूं लाड़ च समझाउंदे हुए कहा, मैं कहनी हाँ जीती जे रोशनी ना हुंदी तां पूनम कित्थों आउंदी, तुहाडे लोकां दा कुछ पता नहीं लगदा। बाबा मैं तो यूनिवर्सिटी जानी हाँ, मेरा तो वक्त हो गया, यूनिवर्सिटी स्पेशल छुट गई तो फिर बस के अड्डे तो ही भावें बंदा खलोता खलोता सुक जाए। जीती बोलती बोलती जिमें आई सी तिवें बोलती बोलती निकल गई। दोपहर में उस दिन डाक च रोशनी का भेजिया पार्सल आ गया, पार्सल पूनम के नाम से, पूनम भरत राम।
क्योंकि पार्सल वो नाल सी। पूनम ने चाई चाई उन्हों खोल लिया। उन्होंने भी पता सी कि पार्सल हैदराबाद तो आया सी। उन्हों भेजन वाली रोशनी जावेद सी। लाख दियां मोहरां नू ला के जदों पार्सल नू खोलिया पूनम दियां अखां खुलियां दियां खुलियां रह गईयां। अगले छेनों खुशी च हुमक रही सी। अपने मियाँ नू टैलीफोन कर रही सी। परत डाक च मेरे नाँ एक पार्सल आया, भला बुझ खांके ने घल्लिया, भाभी जानदा होएगा। रोशनी जावेद हैदराबाद तो। परत ने पूरे विश्वास नाल कहा। उन्हों कल ही तो टैलीफोन ते दस्या गया सी। अच्छा ये बुझ इस है कि पूनम अजे भी चार नाल डुल डुल पै रही सी। हुण भरत सोचण च पै गया। इस चेस च होएगी कोई हैदराबादी पोचमपली दी साड़ी गलत, बिदरी दी कोई सजावट दी चीज़ गलत। अच्छा कुछ अता पता, भरत हार मान रहा सी। अता पता कुछ नहीं, इस पार्सल विच एक ढिला पजामा ते कुर्ता है, एक ढिले पजामे ते कुर्ते लिए कपड़ा है, एक चिट्ठी है, एक होर चीज़ है। जे तू वह दस देवें तो मूँह मंगया इनाम मैं तैनू देवांगी। भरत नहीं लभ सकिया तो फिर पूनम ने उन्हों दसिया एक डब्बी च झुमकिया की जोड़ी, तीन ठूठिया वाले झुमके। भरत विच ही भुड़क पिया, उही उही पर ये तो बड़े कीमती होणगे। पूनम जिवें फिक्रमंद हो रही होवे। बेशक भाभी जान की माँ की माँ की माँ दे ने मैनू पसंद सी, तो उन्हें एक दिन कहा सी मैं तेरी दुल्हन लई रख छड़दी हाँ। इन्हां झुमकियां का कोई मुल नहीं पा सकता। भरत स्वाद स्वाद होया किन्ना चिर बोलता रहा। अच्छा अज रात की दावत ते तू यही झुमके पाएंगी, ये कहंदे हुए भरत ने टैलीफोन बंद कर दिता। उहदे कमरे विच कोई उहनूं मिलण आ गया जापदा सी। पूनम ने अपने कमरे च लगी रोशनी भाभी की तस्वीर नूं ध्यान नाल वेख्या। झुमके तो बेशक उही सन, उहनूं यकीन सी ढिला पजामा ते कुर्ता भी उही सी। कुर्ते दे गलवान की कढ़ाई तो उस अंदाज़ा लाया कुछ भी सी। पूनम झुमकियां नूं अपने कन्नां च पा के किन्ना चिर शीशे दे सामने मदहोश होई खलोती रही। एक नशे नशे च गड़ूंद। एक बार उस झुमके कन्नां च पाए, उन्हों फिर लाउण दा मन नहीं किया। वह तो बेगम जावेद की चिट्ठी पढ़नी भी भुल रही सी। तो फिर उंज दी उंज तड़ाम अपने पलंग ते जाके टह पई। ये उन्हों की हो रहा सी, ये औरत इस घर का सराप है। जीती दे बोल मुड़ उहदे कन्नां विच सुनाई दिते। उन्हों लगा जिवें किसी फुलां दा गुलदस्ता उहदे वल वगा मारिया होवे। फुल सन, फुलां दी खुशबू सी, पर फुलां दे कंडियां ने उन्हों गुलुंदर के रख छड्डिया सी। उहदा मूँह मत्था लहू लुहान सी, सोने दे झुमके जिन्हां च हीरे ते मोती जड़े सन। घट तो घट भी होणगे तां इहनां दी कीमत 5-7 हज़ार रुपए हो जरूर होएगी। इन्ना कीमती उपहार तां उहनूं उहदी माँ ने भी नहीं इस शादी ते दित्ता। ते भरत कह रहा सी इन्हां झुमकियां दा कोई मुल नहीं, मैनूं पसंद सन, ते उहनां एक दिन कहा सी मैं तेरी दुल्हन लई रख छड्दी हां। झुमके ही नहीं ढिला पजामा ते कुर्ता भी तस्वीर वाला सी। इंज वी कदी होया, इंज भी कदे किसी दुल्हन की खातर की होएगी। तो फिर एक मनोकल्पित दृश्य पूनम दियां अखां दे सामने तरन लग पिया जिवें किसी फिल्म का कोई टुकड़ा होवे। ये तैनू की हो रहा है भरत, कुछ भी तो नहीं भाभी जान, दीवानिया हार एक टक तो मेरे वल वेखे जा रहे हैं। वेखण की कोई चीज़ होंदी है तां ही कोई उस वल वेखदा है। मैं उही मिसिज जावेद हाँ जिहड़ी दिन रात तेरे अगे पिछे हुंदी है, बेशक पर अज कोई फर्क है। तेरी नज़र मेरे झुमकियां तो जिवें हिली ना रही होवे। यही नहीं, इन्हां दी हर कंबणी नाल मेरा दिल भी कंब कंब जांदा है। ये तू मैनू लई किधर जा रहा है? पार्टी च बाकी लोग की कहिंदे होणगे? कहिंदे रहिण, अगे किहड़ा घट लोग गल्लां करदे ने। पर तेरा इरादा की है? मेरा इरादा है तुहाडे अज दे हुसन नूं, अज दी इस फबर नूं हमेशा हमेशा लई महफूज करके रख लवां। हाए ते तू मेरी तस्वीर खिंचना चाह रहा है? आहो इस ढिले पजामे ते कुर्ते विच इंजे झुमके तुहाडे कन्नां च थर थर कंब रहे। मैं एक मलिका दी तस्वीर उतारना चाहुंदा जिहड़ी इस शहर दे हर अहले दिल ते राज करदी है। भरत तू दीवाना हो रहा है। अच्छा हुण छेती कर, असीं किन्ने दूर बागे आमां च निकल आए हैं। हाँ इस आलूचे दे शगूफियां दे सामने ठीक रहेगा। बाबा छेती कर, वेख हवा किन्नी तेज़ झुल रही है, मेरे वाल उड जा रहे ने, तुहाडे कदम ते नहीं डगमगा रहे। कदमां नूं अपनी थां ते कायम रखण लई औरत नूं लहू दे घुट पीने पैंदे ने।
ਖੰਜੂਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਰਾਤ ਭਰ ਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਠਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਗਮੇ ਗੂੰਜਦੇ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਸੀਆਂ ਖਿੜੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਂਭ ਚਾਂਭ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸੁਗੰਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਦਹੋਸ਼ ਕਰ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਲਿੱਕ ਵੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਲਿੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕਾਂ, ਮੈਂ ਮਰੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਹਰ ਹਰਕਤ ਅਜ਼ਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਰੀਮਤ ਤੇਰੀ ਚਮੜੀ ਉਧੇੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਝੁਮਕਿਆਂ ਇਸ ਢਿੱਲੇ ਪਜਾਮੇ ਅਤੇ ਕੁੜਤੇ ਦੀ ਖਿੱਚੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਲਈ ਰੱਖ ਛੱਡਦੀ ਹਾਂ। ਇੰਝ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਨਾਟਕ ਦੀ ਕਲਪਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਲੀਕਦੀ ਪੂਨਮ ਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਭਾਬੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਉਂਝ ਦੀ ਉਂਝ ਅਣਖੁੱਲੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਪਈ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਚੱਲਦਾ।